गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डेट है 21 जुलाई 2020। तो अब से आप लोगों का जीके का क्लास लगेगा। अभी तक कंप्यूटर की लग रही थी, लेकिन उसमें वन चैप्टर कंप्लीट हो गया था, इसलिए अब इस वीक आपका जीके लगेगा। ठीक है, ये 6 की जीके की बुक है। अभी इसमें फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का दे रखा है। पहले आपको बता दूँ कि आपके इसमें बुक में आपको कुछ भी नहीं करना है, बुक में आप लोगों का दिया हुआ है, मैं सिर्फ समझा दूंगी आप लोगों को। आपको करना क्या है कि आपको एक नोटबुक लेनी है, नई न्यू नोटबुक लेनी है आपको जीके की। उसमें आप सब्जेक्ट अपना नाम वगैरह जो डालना है वो आपका डालना है। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर जैसे आपका ये दे रखा है इनसाइड डीप सी, यानी जो बिल्कुल समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं उनके बारे में इसमें बताया है। ठीक है ना, तो वो कौन कौन से देखो आपको दिख रहा होगा इसमें, सारी फिश और ये जो दे रखी हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। जैसे ये आपको दिख रही है, ये जो फिश है ये कौन सी फिश है मैं आपको बता दूँ, इसको बोलते हैं वाइपर फिश। वाइपर फिश शाइन्स इन द डार्क थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स डाउन विद रोज ऑफ लाइट्स अलोंग देयर बॉडीज। ठीक है, अपनी बॉडीज से मतलब ये बहुत ही ज्यादा थाउजेंड्स मीटर्स की होती है, जो हम इसको आराम से ये डाउन और इस तरीके से कर सकती है, इसको वाइपर फिश बोलते हैं इसीलिए। ठीक है ना, ये आपको दिख रही होगी पिक्चर, आपको पिक्चर देख के भी पहचान में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं ब्लू वेल। ठीक है ना, ये कलर इसका ब्लू कलर का थोड़ा सा वैसा होता है, इसको ब्लू वेल बोलते हैं। वेल लंबी होती है ये। हैज द लार्जेस्ट ब्रेन अमॉन्ग ऑल एनिमल स्पेशीज, हैज द लार्जेस्ट ब्रेन, इसका बहुत मतलब क्या कहते हैं, बड़ा दिमाग होता है बहुत, ये वैसे भी लंबी होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका दे रखा है डॉल्फिन इज शॉर्ट साइटेड एंड कैन ओनली हियर हाई पिच्ड वॉइस। आप लोगों को दिख रहा होगा ये आपकी क्या है, डॉल्फिन। ये आपको इसको क्या बोलते हैं, सी हॉर्स, क्या बोलेंगे, सी हॉर्स। द मेल सी हॉर्स हैव अ ब्रॉड पाउच इन देयर बेले टू हैच देयर एग्स, दिस फिश इज द वर्ल्ड्स स्लोएस्ट फिश। ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्लोएस्ट यानी धीमे चलने वाली फिश होती है। इधर जो आप लोगों को ये फिश दिख रही है, ये क्या होती है आपकी, आर्चर फिश होती है। शूट्स अ जेट ऑफ वाटर इन इंसेक्ट्स टू डिसलोज देम। ठीक है, लास्ट आपको दिख रहा होगा ये जो फिश है, इसके ऊपर ये ना एक एंटीना टाइप का होता है, इसमें हर समय लाइट जलती रहती है हर टाइम, इसको बोलते हैं हम एंग्लिया फिश। लिव्स डीप डाउन इन द ओशियन, ये ओशियन में यानी समुद्र के सबसे डीप अंदर की साइड में रहती है। वेयर इट इज पिच डार्क इट ग्रैप इट्स प्रे इनटू इट्स माउथ यूजिंग अ स्पेशल फिश रॉड। मैंने बोला ना आपको फिश रॉड, यानी इतने डीप में होती है, अंधेरे में भी होगी तो इसको लाइट सब कुछ दिखता है इसमें। रॉड लाइक फिन स्पाइन विद अ लाइट एट इट्स टिप। ठीक है, तो आपको इस तरीके इसको अब करना कैसे है ये मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पूरा पढ़ के तो बता दिया, तो आप लोग को इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, 6 में हो आप लोग, तो आपको तरीका पता होगा, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ऊपर आपको क्या डालना है, फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर नेम आपको डालना है, उसमें डेट डालनी है आपको, फिर आपको करना क्या है, ये आप डालोगे इसमें। पिक्चर्स तो आप उसमें बना नहीं सकते हो, आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पे जैसे ही दिख रहा है आपको वाइपर फिश, तो आप यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह का इसको लिख सकते हो, यहाँ पे डैश छोड़ दो, उसके बाद ये पूरा आपको इस तरीके से लिखना है, तो वहां पर डैश में आपका क्या आ जाएगा, वाइपर फिश, यानी जो जो आपको पिंक कलर में ये दिख रहे हैं, यानी जो फिशेस के नेम है वहां पे आपको डैश छोड़ना है, बाकी आपको वैसे ही लिखना है, फिर डैश में आपको ये लिखना है, तो ये आपको ऊपर हेडिंग डाल सकते हो आप फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से ही पूरी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड करने की तो मुझे लगता है जरूरत नहीं, क्योंकि बुक सबके पास है और इसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बुक में से आप देख के लिख सकते हो। ठीक है ना, थैंक यू।